फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का जो बुक है तो वो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है आज भौतिक विज्ञान और एक्सरसाइज है यांत्रिकी मींस मशीन्स। लुसेंट जो होता है हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है, बेस माना जाता है उसको, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, मीन्स प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, ये क्या है? दूरी का। क्या होता है कि प्रकाश का स्पीड जानते हैं 3,00,000 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी को कवर करेगी उसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष, तो वो किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट है एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा। नेक्स्ट हमने यहाँ सुमेलित करना है, तो देखो उच्च वेग का क्या होगा? मैक संख्या होता है मैक। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। बड़ा आंसर क्या है? सी सही। फिर से वैसा ही प्रश्न है, अपने सुमेलित करना है, तो देखो इसमें क्या है? जूल का क्या होगा? कार्य। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का, कैपेसिटी का मीन्स। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और कैलोरी उष्मा का, उष्मा या एनर्जी का मात्रक है कैलोरी। तो आंसर क्या है? ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न भी सुमेलित है, तो देखो इसमें क्या है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का तो न्यूटन होता है पता है, कृत कार्य मीन्स जो काम हो गया है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जूल का, कार्य का होता है ये जूल। फिर आवेग, आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। तो आंसर क्या है? डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मात्रक नहीं है। पहला प्रश्न क्या था? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक ना, याद रखना। नेक्स्ट है पारसेक इकाई है, तो पारसेक भी होता है दूरी का इकाई, दूरी का इकाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो डेसिबल क्या है? ध्वनि का, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति में शक्ति की इकाई मापते हैं। समुद्री मील नौचालक के लिए ये भी सही है। सेल्सियस देखो उष्मा के लिए सही है, गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उष्मा मीन्स हीट का इकाई क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना, जूल। तो हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। याद रखिएगा उष्मा का क्या होगा? जूल। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फलस्क का, किसका? ज्योति फलस्क का। फिर है क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव की, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। आंसर हमारा ये सही है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का क्या मात्रक है? पास्कल। कैंडेला, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता। जूल किसका, निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा का, ऊर्जा का। फिर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? वो किया गया 1971 पर ही आधारित है। और मानक का वैधशाला मीन्स जो है वो कहाँ पे है? फ्रांस में है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो उसे हम मापते हैं कैलोरी में। कभी कभी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये सेंटेंस पढ़ते होंगे। तो मीन्स जो ग्रामीण में मीन्स रूरल एरिया में रहते हैं उसे खाद्य ऊर्जा या कैलोरी अधिक चाहिए, कितना चाहिए वही पूछा जाता है, 2400 कैलोरी। और जो गाँव, जो शहर में रहते हैं अर्बन एरिया में, उसे चाहिए 2200 कैलोरी, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक को, ये टर्म को भी याद रखना। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा के क्या होते हैं? एम्पियर, एम्पियर। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये है डायोप्टर, ये बहुत पूछा जाता है डायोप्टर, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है ध्वनि को मापने के लिए, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से मापते हैं हम करेंट, करेंट। फिर है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता का एसआई गुणांक। निम्नलिखित युग्मों में से
किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, मीन्स किसका जो बीमीय सूत्र होता है डायमेंशनल फार्मूला वो सेम नहीं है। तो कार्य ऊर्जा का सेम होता है, भार और बल का सेम होता है, आवेग और संवेग का सेम होता है, बल और दाब का क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। फिर ऊष्मा संवहनता गुणांक का आयाम बीमा क्या है, मीन्स ऊष्मा संवहनता का जो आयाम होता है या बीमा जिसे कहते हैं या डायमेंशन कहते हैं वो क्या होता है, तो MLT-3θ1, ठीक ना, डी सही है। डायमेंशन के लिए आपको अगर फार्मूला सब याद है तो आप आसानी से याद कर पाओगे, अगर नहीं याद रहेगा तो आपको सॉल्व भी कर पाओगे, लेकिन उसके लिए फार्मूला आना जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बोल्टर मात्रा है, सॉरी वेक्टर है, ये वेक्टर और स्केलर होता है। तो स्केलर में क्या होता है, सदिश और अदिश, ठीक ना। तो सदिश वो होता है जिसमें दिशा होता है, सदिश, और अदिश में दिशा नहीं होता है, आप ऐसे पहचानोगे। तो इसमें क्या है, कौन सा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें से क्या हो जाएगा, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, ठीक ना, नहीं दिया गया है, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और ये सब क्या है, सदिश राशि है, सब में दिशा होगा। फिर अदिश राशि है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है, तो ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या है, संवेग, यहाँ भी पढ़े हम, ये सदिश राशि है, ये सब संवेग, और ये सब क्या है, अदिश राशि, दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या है, अदिश राशि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा था दाब, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है, तो यहाँ पे पूछा है सदिश नहीं है, डेट मीन्स अदिश है इसमें से कौन सा, तो क्या हो जाएगा, आयतन क्या है, सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है, तो वेग, वेग। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक ना, परिणाम उसका क्या होगा, शून्य नहीं होगा। फिर त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर यू माइनस वी बाय टी होता है। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, सॉरी यू होता है प्रारंभिक वेग, और वी क्या होता है, प्रेजेंट टाइम का वेग, ठीक ना। फिर पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो संवेग और वेग अगर प्राप्त होगा, मीन्स उसका अनुपात करेंगे, बाय करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान निकलेगा। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होगा, समान होगा, दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रहा होगा उसका त्वरण क्या होगा, समान होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, पहले क्या है, वो बैठी है, उसके बाद वो खड़ी हो जाती है, तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खड़े हो जाने से क्या होता है, कम हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, घूर्णन करता एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी वस्तु के वेग को अगर दुगुना कर देंगे तो उसका संवेग भी दुगुना होगा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है, और भार क्या होता है, परिवर्तनहीन, मीन्स परिवर्तनीय होता है। जैसे कि आपसे प्रश्न आएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है धरती पे है 60 kg और भार भी क्या है, 60 kg है, तो मून पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान रहेगा 60 kg पर भार क्या हो जाएगा, 1/6 होता है, सॉरी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा उसका वजन, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, 60 kg ही होगा। तो द्रव्यमान हमेशा सेम होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, तो ये क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल
मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया का अगर जब बात हो तो वो क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, मीन्स आप अगर इधर से कोई बल लगा रहे हो तो उधर से भी बल लग रहा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, हमेशा क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, सेम क्वेश्चन, तो वो क्या होता है, न्यूटन गति का तृतीय नियम, सॉरी क्या हो जाएगा, तृतीय नियम होगा, ठीक ना, ये आंसर होगा सी। फिर है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम को दर्शाता है, तो वो भी क्या होता है, तृतीय नियम। जितना हम हाथ से प्रेशर लगाते हैं पानी पे, उतना ही क्या करता है, पानी हमको ऊपर की तरफ फेंकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब पानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका और आप कंफ्यूज कर रहे हो ना, उस टाइम में आप आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाना, क्योंकि बहुत सारे पानी से जितने भी सिद्धांत हैं लगभग वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन न्यूटन का प्रथम नियम और साथ ही बल का डिफिनेशन भी वही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात हो जाती है, बिल्कुल सही है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये गलत है, क्योंकि पहले नियम से ज्ञात करते हैं। दूसरा त्योरण का नियम से होता है, त्योरण का डिफिनेशन पता चलता है। फिर तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, तो ये तृतीय सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है या ऑप्शन में कुछ त्रुटि है, ठीक ना, तो हमारा यहाँ पे बी गलत होना चाहिए, और ये सही है, दोनों सही है। और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो दो कथन सत्य है इसमें, यहाँ पे असत्य होना चाहिए, ठीक ना, असत्य, तब हमारा बी आंसर होता। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति के स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम या नहीं तो न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। फिर है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या पता चलता है, उससे हम जड़त्व का नियम भी पता करते हैं, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ता है, तो वहाँ पे काम करता है न्यूटन का तीसरा नियम, मीन्स पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, आंसर क्या हो जाएगा, डी। गतिशील वाहन में अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, जिसके कारण हम लोग झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी न्यूटन के तीसरे नियम या उसे संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, तो तीसरा नियम और संवेग संरक्षण सिद्धांत ये दोनों क्या है, सेम ही है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो विश्राम जड़त्व, क्योंकि क्या रहता है, वो विश्राम अवस्था में रहता है और फिर एकाएक जड़त्व में आता है, तो विश्राम जड़त्व के कारण क्या होता है, वो गिरने की संभावना बनती है। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो क्या होता है इसका कारण, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके और हाथ पे क्या हो, कम असर पड़े, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। बल गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल, आंसर हमारा बी सही है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, भार तो घट जाता है पर उसका मात्रा क्या होता है, मात्रा या द्रव्यमान की अगर बात करें तो वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर मीन्स पोल की तरफ जाते हैं, तो जी का मान क्या होता है, तो क्या कहेगा, बढ़ता चला जाएगा, आंसर क्या होगा, ए। शरीर का वजन ध्रुव पे क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण पृथ्वी मीन्स शरीर का वजन सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ध्रुव पे होगा, पूछा जाता है आपसे ये। नेक्स्ट है, जब या एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या है, बहुत कम है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। फिर 20 केजी के वजन के समीप ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर
पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य। तो अगर सीधा ऊंचाई पे पकड़े मीन्स 90 डिग्री के पकड़े तो कोई काम नहीं होगा, शून्य जूल। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, मीन्स वो काम नहीं हुआ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? वो कोई काम नहीं हुआ। आपने धक्का लगाया, आप तो थक गए, आपका एनर्जी लॉस हुआ, पर वो दगबा अगर नहीं घिसका तो वो कोई काम नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछता है ये प्रश्न, ठीक ना। तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, तो क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र जो होता है से जाने वाली ऊर्ध्वर रेखा आधार से होकर जाती है, तो वो उसको उतना एनर्जी देता है, मीन्स फोर्स में लगाता है ताकि वो नहीं गिरे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पीसा की मीनार जो है वो कौन से कंट्री में है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? तो पता होगा पानी क्या होता है, जब ठंडा होता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे पाइप फट जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, पानी से भारी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या होता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आंसर सी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? मीन्स क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि पानी का टेम्परेचर मीन्स आयतन जो होता है 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है, ठीक ना, या तो उसके बाद कम होगा फिर अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आयतन पहले बढ़ेगा, मीन्स 9 डिग्री से लेकर 4 तक आएगा तो बढ़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी पहले क्या होगा, घटेगा, और फिर बाद में बढ़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। मीन्स 4 पे क्या होता है, न्यूनतम टेम्प मीन्स आयतन होता है। फिर एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा होता है, तो जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर का स्थल क्या होगा, उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि पानी के तल पर अगर कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो वो टोटल हाइट का कितना प्रतिशत पानी ऊपर रहता है, ये लेयर, तो वो होता है 10%, ठीक ना, 10% ऊपर रहता है, मीन्स 1/10 भी बोल सकते हो आप उसको। ये इतना क्या रहता है, ऊपर रहता है, और 9/10 नीचे रहता है, 90% पार्ट नीचे रहता है पानी के। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है, मीन्स फैलता है, तो वो बोतल फूट जाएगा। फिर सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, छिछला होता है वो, तो चलने में दिक्कत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, सेम प्रश्न है, क्योंकि पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी की अपेक्षा उसमें क्या होता है, कम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। फिर लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र मीन्स इसको बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? तो आपको पता होगा कि जिसमें घर्षण कम होगा तो ले जाना आसान होगा, तो लुढ़काने की अवस्था में क्या होता है, घर्षण बल फिसलन की अवस्था से किया गया कम होता है, मीन्स फिसलाने में अधिक घर्षण लगेगा जबकि लुढ़काने में घर्षण बल कम लगता है, तो कम लगने के कारण उसको आप आसानी से ले जा सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। उसका रीजन क्या है कि समुद्र का पानी क्या होता है, खड़ा होता है, नमकीन होता है। तो अच्छा, एक प्रश्न अच्छा पहले ये जान लो कि नमकीन होता है जिससे क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, और वो उसमें नदी में इसीलिए कहा जाता है कि नदी की तुलना समुद्र में तैरना आसान होता है। एक यहाँ से एक प्रश्न आपको ऐसा भी मिलेगा कि अगर एक पॉट में बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक ना, उस पानी में हमने क्या किया, कुछ अंडा डाल दिया, इसमें अंडा डाल दिया, तो अगर इसमें बहुत सारा मैंने नमक मिला दिया तो ये अंडा क्या होगा, तैरेगा या डूबेगा? तो ये तैरेगा, ठीक ना। पानी में नमक की मात्रा मिलाने से उसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, और जिससे क्या होता है, वो तैरना आसान होता है। ये आप कंसेप्ट में रखो, इसको घुमा के पूछा जाता है प्रश्न को। नेक्स्ट है हमारा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाता है? सेम है, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, और पारे से कम होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो तैरेगा।
और पानी में किरोसिन मिला देने से क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण उस पर जो लेयर पे कोई कीड़ा मकोड़ा होता है वो नहीं बैठ पाता है और वो डूब के मर जाता है, ठीक ना। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वही, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें डाला जाए तो क्या हो जाएगा, अंडा पानी में तैरता रहेगा। यह प्रश्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ठीक ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्यों डूब जाएगा? क्योंकि क्या होता है, बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल से भारी होता है। अच्छा, अल्कोहल से एक चीज़ और याद आ गया, जैसे टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या होता है, पारा होता है, मरकरी, ठीक है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में जो थर्मामीटर यूज होता है उसमें क्या भरा जाता है, तो उसमें अल्कोहल डालते हैं, ठीक ना, अल्कोहल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि निम्न टेम्परेचर को मापने के लिए मीन्स कौन से थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो अल्कोहलिक थर्मामीटर का, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। पारे का घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वो क्या करेगा, तैरेगा। फिर जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो नदी से समुद्र में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। आंसर हमारा ये सही है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, उसका घनत्व क्या रहता है, उसका घनत्व जो होता है वो चाहे आप कम लो अधिक लो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो उसके मीन्स बनावटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, क्यों आसान होता है, क्योंकि उसके पानी का घनत्व आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है, आयतन ज़्यादा होता है, सॉरी आयतन नहीं होना चाहिए, घनत्व, ठीक ना, घनत्व, घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होगा, आयतन अलग चीज़ होगी, आयतन हो गया जितना वो कवर किया हुआ एरिया, तो आंसर क्या, सॉरी कवर मीन्स जितना पानी है वो होता है आयतन, तो यहाँ पे घनत्व होगा। फिर वायुमंडल में बादलों का तैरने का क्या कारण है, कि वायु का जो घनत्व होता है वो वायुमंडलीय मीन्स बादल के घनत्व से अधिक होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो मैंने ये जिक्र किया था 1/10 जो होता है पानी से ऊपर होता है, या इसको आप 10% भी लिखो, ठीक ना, या 0.1, अब ऐसा फॉर्म में पूछा जाता है ये 0.1, क्योंकि सेम प्रश्न ऐसा ही है ALP में पूछा गया था कि कोई भी जो आदमी बोलता है तो हमारे कान पे उसका साउंड कितने समय तक रहता है जिससे कि हम सुन सके, तो वो भी होता है 1/10, ठीक ना, ये याद रखना, 1/10। तो यही इसको 0.1 करके ऑप्शन दिया गया था, बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज किया, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने से क्या होता है, द्रव का दाब बढ़ जाता है, इसीलिए इसको मोटा बनाना पड़ता है, आंसर हमारा क्या है, ये सही है। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचता रहता है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से क्या होता है, दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होगा तो दाब घटेगा, दाब अगर बढ़ेगा बर्फ का तो उसका गलनांक भी क्या होगा, घटेगा, दाब बढ़ेगा मीन्स दो आइसबर्ग को आप अगर दबाते हो जोर से तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है, ध्यान रखना, बढ़ता नहीं है, अपना लॉजिक नहीं लगाना है वहाँ पे, क्योंकि हम चिपकाएंगे तो फिर फ्लेक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसके कारण वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो घटता है, इसको याद कर लोगे, सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि एग्जाम पास करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है, हमारा आंसर भी सही है। फिर दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्या होता है, संपर्क क्षेत्रफल को घटाकर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, अगर लेट जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, दाब कम होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है, आंसर हमारा ये सही है। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है,
इस लाइन को मीन्स क्या बोलते हैं उसको पी लेना है, भूलना नहीं है इस लाइन को, क्योंकि इस प्रश्न पे अगर सोचते हो तो आप पक्का गलत करके आओगे एग्जाम में, ठीक ना। तो इसलिए क्या करना, अधिक होने पे क्या होता है वो कम हो जाता है गलनांक, आंसर ये सही है, और इसी के कारण वो चिपक जाता है। फिर प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की परत छत जो होता है वो उड़ जाता है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दबाव उत्पन्न कर देती है और छत के निचले हिस्से का दबाव क्या होता है सामान्य रहता है, जिससे वो उड़ जाता है। फिर रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दबाव क्या हो सके कम हो सके। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है घट जाता है, और जिसके कारण आपका प्रश्न ये भी आएगा कि फाउंटेन पेन जो होता है उसका स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो भी क्या होता है वायुमंडलीय दबाव का कम होना। ये भी प्रश्न आएगा कि पहाड़ी इलाके में लोग का खाना जो होता है वो आसानी से मीन्स उबलने लगता है, तो उसका भी मुख्य कारण क्या है, मीन्स पानी का उबलना 100 डिग्री पे होता है, ठीक ना। लेकिन जो माउंटेन एरिया में हिली एरिया में आप माउंट एवरेस्ट पे करोगे तो वो 80 डिग्री पे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उसका भी मेन कारण क्या है वायुमंडलीय दाब का कम होना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। फिर हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलना क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा वायु दाब का कम हो जाना, ठीक ना, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब का कम हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो तो पृथ्वी तल के जी का मान क्या होगा। तो देखो जी होता है द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, और मीन्स उसके साइज पे भी, द्रव्यमान पे कम साइज पे सॉरी डिपेंड करता है, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, डेंसिटी पे डिपेंड करता है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा बी सही है। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें अप्रॉक्स 215 क्वेश्चन है, तो ये तीन पार्ट में मैं इसको लेके आ जाऊँगा, करीब 25-26 मिनट का एक वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।